जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो पर बात करूंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में जो आप लोग एग्ज़ाम दे रखे हो उसका फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि आपका जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन क्या क्या हो सकता है, आईटीबीपी आप लोगों के साथ क्या क्या कर सकता है और उस दिन ग्राउंड पे क्या क्या हो सकता है, उस विषय पे थोड़ा चर्चा करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और तगड़ा फौजी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जब एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म फिलअप हुआ था तब आप लोग बहुत मन में सपना लेके बैठे होंगे कि इस साल जो है मेरे को वर्दी मिल जाएगी। देखिए जब आपका रिटन टेस्ट होगा, वेट कर रहा हूँ किसका, जो कि आंसर के, क्या आंसर की रिलीज़ हो गया, आंसर की रिलीज़ होने के बाद अभी वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का कि कब मेरा नाम आ जाए और मेरा फिजिकल हो जाए और मेरा नौकरी जो है लग जाए। देखो रिजल्ट बस कुछ दिन बाकी जो कि रिलीज़ हो जाएगा। तो बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, आपका फिजिकल टेस्ट कैसा हो सकता है। देखिए जब आपका रिजल्ट रिलीज़ होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, उस समय आपको एक नोटिस में बता दिया जाएगा कि इस डेट से जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा और आपका एडमिट कार्ड भी कब से अपलोड हो जाएगा एसएससी के वेबसाइट पे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा तब उस दिन से आप जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके अपना जो है जगह देख सकते हो कि आपका जो है फिजिकल टेस्ट किस एरिया पे, मतलब किस ग्राउंड पे, किस कैंप में होने वाला है, वो जो एरिया उधर आपको किस डेट को जाना है आपको बता देगा और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा वो भी आपके एडमिट कार्ड में पूरा एकदम लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी बात करते हैं जब आप उस दिन जाओगे एडमिट कार्ड लेके, मतलब जो डाउनलोड करके रखे हो उसका प्रिंट कॉपी 2-3 निकल लेना है और साथ में अपना सब जो है डॉक्यूमेंट्स का 2-2 कॉपी जेरोक्स और अपना ओरिजिनल साथ में रखना ही रखना है, साथ में पैसा रखना है आपको, आपका मोबाइल, एटीएम कार्ड और आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो, वो भी साथ में 10-15 कॉपी रख दीजिएगा दोस्तों फिजिकल के दिन। ठीक है, नोट करके रखिएगा। इसके बाद आपका जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन या फिर एक दिन पहले ही आप चले जाइएगा उस वेन्यू पे, उस जगह पे। हो सकता है आपका घर से यदि दूर पड़ता है तो हो सकता है एक दिन पहले आप चले जाने से अच्छा होगा। ठीक है, तब आप चले जाइएगा उधर, आप रह के होटल पे रह के 500-1000 रुपये दे के आराम से खाना वाना खा के, मतलब रात को जो खाना खाएंगे एकदम हल्का खाएंगे, ये नहीं कि मीट मच्छी से एकदम पेट भर के खाना है, नहीं, हल्का दाल सब्जी बस इतना जो खा के आप सो जाइएगा, दाल सब्जी रोटी या फिर चावल खा के सो जाइएगा, हल्का एकदम हल्का खाना है बस पेट भरे, बस इतना ही काफ़ी है, ये नहीं कि एकदम दवा के खा के सोना है, नहीं, आपको अलार्म लगा देना है। ठीक है, आपको रात को 3 बजे नहीं तो 4 बजे उस हिसाब से देख लीजिएगा आपका टाइमिंग के हिसाब से अपना अलार्म लगा के सोइए। जब आप अलार्म लगा के सोएंगे तब क्या है आप उस समय एक्टिव रहोगे कि हाँ मेरा अलार्म लगा हुआ है और मैं नींद से जाग जाऊंगा। तो जब नींद से जागोगे अपना फ्रेश होना है, सबसे पहले तो है फ्रेश होना है, आप आराम से आप टॉयलेट में जाइए, मुँह हाथ धोइए, तो फ्रेश जो है पेट जो है वो साफ करना बहुत ही ज़रूरी है, ये नहीं कि पेट में जो है गोबर लेके दौड़ोगे आप, नहीं, अपना फ्रेश रहना है, सुबह उठ के मुँह हाथ धो लेना है, इसके बाद अपना पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना है कैंप में जाने से पहले। तो डॉक्यूमेंट चेक कर लिए आप अपना रेडी हालात में चले जाइए, अपना जूता, अपना जो है निक्कर पहन लेना, ठीक है, स्पोर्ट्स का जो निक्कर होता है वो निक्कर पहन लेना है और एक बनियान सा पहन लेना है। ठीक है, उधर जाके देख लेना है कैसे दोहराएगा वो लोग क्या। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा निक्कर और एक जो है बनियान, एक्सरसाइज जो बनियान है वो पहन लीजिएगा और जूता बढ़िया से बढ़िया एक जूता खरीद लेना और ये पहन के आप चले जाइएगा, अपना बैग ले लीजिएगा और साथ में पानी बोतल भी रख लेना है। ठीक है, तो बात करूँगा उधर जब कैंप में जाएंगे वो जो सीसीटीवी कैमरा की मैं बात करता हूँ, सीसीटीवी कैमरा ग्राउंड के चारों तरफ हो सकते हैं। एक दोस्त मेरे को कमेंट किया था कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगाएगा, ठीक है, आरएफआईडी डिवाइस कहाँ लगाएगा और ग्राउंड का कितना चक्कर होगा, हर एक विषय पे बात करूँगा। देखो सीसीटीवी कैमरा जो है आपका कैम जो है जहाँ पर आप फिजिकल दोगे उधर गेट के बाहर हो सकता है। ठीक है, एक गेट के बाहर लगाएगा, मतलब एंट्री में लगाएगा जहाँ पर आप लोग एंट्री करेंगे गेट के उधर गेट से। इसके बाद जहाँ तक ग्राउंड तक जाएंगे ना, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको
जो है ऊपर सीसीटीवी लगा रहेगा ताकि आपको जो है नज़र में रख सके, ठीक है, आईटीबीपी के लोग। फिर उधर ग्राउंड में जो है ग्राउंड के चारों तरफ एकदम सीसीटीवी लगा रहेगा, जो है आपका हर एक मूवमेंट जो है ऑब्जर्व करेगा, आपका हर एक मूवमेंट जो है देखते रहेगा वो लोग, ठीक है। हर एक जगह कोने कोने एकदम आपका सीसीटीवी रहेगा, जहाँ पर ग्राउंड पे एक साइड पे आप लोग को बैठाएगा उधर भी सीसीटीवी लगेगा, जहाँ पर दौड़ ख़त्म होके आप लोग को बैठाएगा, जहाँ पर पास को ले जाएगा, जहाँ पर फेल को बैठाएगा, हर एक जगह पर आपका जो है सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। इसके बाद दौड़ के बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उधर भी कंप्यूटर कार्रवाई होगा, उधर भी आपका सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो सीसीटीवी कैमरा जो है हर एक जगह लगा रहेगा, इसीलिए तो आईटीबीपी ने बार बार कोरिजेंडम रिलीज़ कर रहे, टेंडर रिलीज़ कर रहे के बढ़िया से बढ़िया कंपनी जो है हम लोग को सीसीटीवी कैमरा और आरएफआईडी डिवाइस प्रोवाइड करे। अभी बात करते हैं जो आरएफआईडी डिवाइस है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो कहाँ लगा सकता है। देखो वो कंपनी के ऊपर है, वो कंपनी कौन सा डिवाइस प्रोवाइड कराएगा, हाथ में लगाने का, जो कि पैर में लगाने का, या फिर चेस्ट पे, कोई भी हो सकते हैं। हो सकते ज़्यादातर आपका पैर में लगाए, नहीं तो हाथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाथ में लगाने वाला वही डिवाइस आ सकते हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा है। तो बात करते हैं जब आपका रनिंग शुरू जहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एसपी जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आपका जो है सीसीटीवी कैमरा रहेगा, ठीक है। जो बैच बना रहेगा आपका, ठीक है, बैच मतलब मान लीजिए 50 का या फिर 100 का, 100 कैंडिडेट या फिर 50 कैंडिडेट वाला एक एक बैच आपको आप लोगों को दोहराएगा। इससे पहले जब आप गेट से एंट्री करेंगे ना, उधर भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है चेक करेगा, जो कि आपका एडमिट कार्ड देखेगा, आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का कॉपी देखेगा, ओरिजिनल कॉपी, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब आपको रखना है साथ में। जब आप एंट्री करेंगे उस समय आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, सेंट्री को या फिर जो भी प्रेजेंट में रहता है ड्यूटी में, तो उन लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सब आप दिखा के जब ग्राउंड में आ गए तब आप लोग को इंस्ट्रक्शन देगा कि ये बैच का रोल नंबर इतना से इतना जो है आप लोग का, ये बैच रोल नंबर इतना से इतना आपका, ये 100 वाला बैच, 50 वाला बैच, ऐसे बैच वाइज कर देगा। हो सकता है आपका नंबर दोपहर को 12 बजे आए या फिर सुबह 11 बजे, हो सकता है 9 बजे, किसी का नंबर तो सुबह सुबह लग जाता है। देखो अभी गर्मी का मौसम और जुलाई या फिर मतलब जुलाई के फर्स्ट से ही आपका हो सकता है आपका रनिंग शुरू होगा, तो उस समय बहुत ही गर्मी रहेगा दोस्तों, बहुत ही गर्मी रहेगा। तो आपका पानी बोतल जो है साथ में ले लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पानी पी लीजिएगा, ये नहीं कि एकदम पेट भर के आपका गला सूख जाए, बस इतना पानी पी लेना है, ठीक है। मतलब जो दोपहर को दौड़ोगे ना, बहुत ही दिक्कत हो जाएगा उधर, मान लो मतलब 20-30 सेकंड आपका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको ज़्यादा टाइम ले लेगा 20-30 सेकंड, क्योंकि इम्यूनिटी इतना ज़्यादा होगा ना, बहुत गर्मी होगा, मन नहीं करेगा दौड़ने में, ठीक है। तो और जो सुबह सुबह नंबर लग जाता है दौड़ने में, उनका तो बल्ले बल्ले है। जब आपका बैच सेट हो जाएगा, मान लीजिए 50 का बैच हो गया, तो वो जो 50 का बैच के जो कैंडिडेट है सबको अपना अपना चेस्ट नंबर, यानी कि एक कपड़ा में नंबर लिखा रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप लोगों को चेस्ट नंबर बांटेगा, वो चेस्ट नंबर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जो धागा होता है धागा से साथ गांठ मार लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया से, ये नहीं कि टाइट करके एकदम टाइट, जब करेंगे ना तब आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा दौड़ने पे, एकदम नॉर्मल बांधना है इसको, ठीक है, नॉर्मल, ये नहीं कि एकदम ढीला डाला भी है, नॉर्मल बनना है ताकि आपको फील ना हो इतना ज़्यादा और आपको ना चुभे। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हर एक चीज़ जो है ग्राउंड पे अप्लाई करना दोस्तों, बहुत अहम चीज़ है। एक एक छोटी छोटी गलती जो है आप लोगों को फेल करा सकता है, मतलब आप लोगों को अच्छे के लिए जो है ये सब बात मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको ग्राउंड में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेरे जैसा, मैं जब दौड़ा था, जब रोड पे 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गया था, 2.5 किलोमीटर आया था, उस समय मेरा जो है जो शूज़ नहीं था, बढ़िया पीटी शूज़ नहीं था, मैं बेल्ट का जूता जो है वो पहन के दौड़ा था मैं, और दौड़ते दौड़ते दोनों साइड में ना ये जो पैर है, पैर के इस साइड से जो है कट गया था, दोनों पैर का इस साइड से बहुत कट गया था, फिर भी दौड़ रहा था, मतलब कंडीशन ऐसा था, जूता नहीं था, तो छोड़ो वो बात छोड़ो, आप अपना जो है बढ़िया जूता ले लेना, आप जैसे कंफर्टेबल, कोई कोई तो खाली पैर भी दौड़ सकता है, ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा। जब आपका चेस्ट नंबर लग जाएगा आप लोगों को जो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कर देगा, उस समय आप लोगों को जो RFID डिवाइस है वो भी आप लोगों को बांध देगा।
फिर जो कंप्यूटर टीम है एक जगह पर बैठा रहेगा, हर एक चीज़ जो है आप लोगों को ऑब्जर्व करेगा, मतलब देखते रहेगा कि ये लड़का जो है कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, ये लड़का आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ देखेगा आराम से, उधर जहाँ पर बैठाएगा उधर बैठ लीजिएगा, और जहाँ पर खड़ा करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे आराम से जो है कोई धक्का मुक्की नहीं करना है, सबको एक साथ ही दौड़ाएगा, और सब जो है 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते ना सब इधर उधर हो जाओगे। ये नहीं कि एकदम जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप दौड़ रहे हो ना उधर थोड़ा सब भीड़ रहेगा, लेकिन 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे दौड़ते दौड़ते ना सब देखना, एक उधर वो उधर, मतलब ऐसे मतलब बिखर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आराम से दौड़ना है। बस दौड़ते समय एक चीज़ दिमाग में रखना है, बस मन में ये रखना है कि ये जो सामने मेरे सामने दौड़ रहा है ना इसको मैं पीछे करूँगा, ठीक है, इसके आगे मैं चला जाऊँगा। और ये दिमाग में रखना है कि ये जो रनिंग है मेरे को पास करना ही करना है कैसे भी करके, और इस साल मेरे को नौकरी करना ही करना है, फौजी का वर्दी पहनना है। जब मैं दौड़ रहा था ना, मैं जब दौड़ रहा था उस समय मैं बस यही मन में रख रहा हूँ कि ये जो रनिंग है ये यदि कंप्लीट कर लिया तो मेरे हाथ में महीने का 30 से 35 हज़ार या फिर 25 से 30 हज़ार मेरे को आएगा, जो कि मैं ट्यूशन करता था उस समय 5-10 हज़ार ही आता था, लेकिन ये जो रनिंग मैं यदि कंप्लीट कर लिया तो मेरे को भाई पैसा ही पैसा मिलेगा और वर्दी मिलेगा। बस ये दिमाग में था, मेरे दिमाग में, आप लोग भी बस दिमाग में ये रखना तो मोटिवेट मिलेगा कि वर्दी मेरे को पहनना है, मेरे को घर बनाना है, बस ये सब सोचना है, और ये जो आगे मेरे से आगे दौड़ रहा है इसको मेरे को पीछे करना है, इसको इसके आगे मैं चला जाऊँगा। ये नहीं कि मन में दुखी होकर दौड़ना है, पास नहीं हो पाओगे, मोटिवेट होकर दौड़ना है, ठीक है। अभी बात आ जाता है कि वो जो दौड़ना है 5 किलोमीटर का रनिंग ग्राउंड पे कितना चक्कर लगाना पड़ता है। एक दोस्त मेरे को कमेंट किया था, सेम है, डाउट है। देखो 5 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 5 किलोमीटर हो जाएगा कितना, 5000 मीटर, ठीक है। 5000 मीटर आपको कंप्लीट करना है 24 मिनट में। अभी बात आ जाता है कि वो जो ग्राउंड है आपका जिसमें फिजिकल होगा वो ग्राउंड कितने मीटर का है, एक चक्कर लगाओगे तो कितना मीटर कंप्लीट होगा। कोई कोई ग्राउंड 350 मीटर होता है, कोई कोई ग्राउंड 300 मीटर, कोई कोई बड़ा बड़ा ग्राउंड जो है 450-450 मीटर हो जाता है, मतलब कोई कोई ग्राउंड तो 500 मीटर भी, मतलब दो चक्कर मारोगे तो 1 किलोमीटर कंप्लीट, मतलब 10 चक्कर लगाने से आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट, मतलब एवरेज मान लीजिए 12-13-14 मतलब चक्कर मारने से आपका 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये जो चक्कर है आपको ग्राउंड में जब दौड़ाएगा ना उसी टाइम शुरू में ही आपको बता दिया जाएगा, जब आपको लाइन पे खड़ा कराएगा दौड़ने से पहले चेस्ट नंबर लगा के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे उधर ही आप लोग जो है उस्ताद लोग बता देगा कि भाई 24 मिनट का रनिंग है, आपको इस ग्राउंड को इतना चक्कर लगाना पड़ेगा, हो सकते हैं 12 चक्कर बोलेगा या फिर 14 चक्कर बोलेगा। लेकिन जब आप दौड़ोगे ना उस समय चक्कर गिनती मत करना कि हाँ मेरा 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, आपको बस रनिंग करना है, रनिंग के ऊपर फोकस करना है। कितना चक्कर वो लोग बोलते रहेगा, आपको जो है मोटिवेट करते रहेगा, जब आपका 5 या फिर 8 चक्कर या फिर 10 चक्कर हो जाएगा ना उसी टाइम आपको बोलते रहेगा भाई दौड़ 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 तेरा 10 चक्कर हो गया है और 2 चक्कर बाकी है, ऐसे चिल्लाते रहेगा, ऐसे मतलब हल्ला करते रहेगा, आपका सिर्फ 3 चक्कर बाकी है यार दौड़ दौड़ दौड़, ऐसे आपको मोटिवेट करते रहेगा, तो आपको उस समय ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका जो है 3 चक्कर बाकी है, जिन्होंने, ठीक है। तो आपको चक्कर गिनती मत करना, आप बस फोकस करना मेरे को कंप्लीट करना है 24 मिनट में, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ग्राउंड में कितना चक्कर लगाना है वो बता देगा आपको, आप बस दौड़ते रहना, बस 24 मिनट कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मेन पॉइंट तो ये है दोस्तों, जब आप रनिंग कर रहे हो घर पे, प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राउंड पे दौड़ रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस ग्राउंड पे दौड़ रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ग्राउंड कितने मीटर का है आप एक बार माप लीजिएगा, ठीक है। और माप के ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस ग्राउंड को एक बार चक्कर मारने पे इतना मीटर कवर हो रहा है, तो आपको जो है 5000 मीटर कंप्लीट करने में कितना चक्कर मारना पड़ता है आप जिस ग्राउंड पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों घर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब आपका एग्ज़ाम होगा फिजिकल एग्ज़ाम, उसमें कितना चक्कर मारना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप ये डिसाइड कर लो कि आपका जो घर वाला ग्राउंड है जो आपके गाँव पे वो कितना मीटर का है और इसमें कितना चक्कर मारना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, जितना छोटा ग्राउंड है ना उतना समय ज़्यादा लगेगा और जितना बड़ा ग्राउंड उसमें समय थोड़ा
कम लग सकता है, क्योंकि जब आप छोटे ग्राउंड पे रनिंग करोगे, रनिंग के प्रैक्टिस करोगे, तब जो हर चारों तरफ घूमना है, चारों कोने पे आपका स्पीड जो है थोड़ा कम हो सकता है, और आप यदि बड़े ग्राउंड पे दौड़ोगे तो ज़्यादा लंबा आपको डिस्टेंस कवर करने पे आपका समय जो है कम से कम समय लगेगा, और वो जो चारों कोना है थोड़ा स्पीड इसमें कम हो जाएगा। तो बड़े ग्राउंड में फ़ायदा है दौड़ना, छोटे ग्राउंड में लॉस है। तो आप अभी कैलकुलेट कर लो, जो घर पे रनिंग कर रहे हो आपका ग्राउंड पे, तो उधर आपका जो है कितना समय लग रहा है, और कितना आपका चक्कर लगाने से आपका 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो उस हिसाब से अभी से प्रैक्टिस करो। इसके बाद जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को जो पास हो गए हो तो आप लोगों को एक साइड में कर देगा, और आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए और आप लोगों को साइड कर लेगा, और आपका जो है चेस्ट वजन, ठीक है, जो हाइट है वो सब मापने के लिए एक साइड में कर लेगा आप लोगों को, और जो जो फेल है एक साइड कर लेगा, उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और आप जब पास हो जाओगे उस समय आपका हाइट देखा जाएगा, आपका चेस्ट देखा जाएगा, आपका वजन देखा जाएगा, वो सब माप जोक करके आपका डॉक्यूमेंटेशन आपका फिलअप करेगा कंप्यूटर में, आपको बैठा के आराम से आपको पूछेगा कि हाँ नाम नंबर मतलब आपका गाँव का नाम, ये सब पूछेगा आपके, आपसे हो सकते फ़ोटो ले लिया जाएगा, आपका जो है जेरोक्स ले लिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स उस समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ में दो कॉपी करके जेरोक्स कॉपी रख देना है, और साथ में ओरिजिनल भी रखना है, साथ में फ़ोटो पैसा ये सब रखना है अपने बैग में, ठीक है, और पानी बोतल रखना है, ठीक है। तो दोस्तों फिजिकल के ऊपर यदि कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा, नहीं तो पूरा वीडियो बना के दूंगा आपको कि हर एक चीज़ जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई सा भी डाउट ना रहे ग्राउंड पे। बस आप फोकस ये करो, बस मेरे को पास होना है। भाई मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ, लेकिन दौड़ना आपको ही है, आपको ही पास करना है, और आपको ही नौकरी मिलेगा, आपको ही पैसा मिलेगा, आपको ही वर्दी मिलेगा। मैं बस बकबक कर सकता हूँ इस तरफ से, ठीक है, तो मोटिवेट कर सकते हो। तो यदि कुछ भी डाउट रहता है दोस्त, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए तगड़ा फौजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।